पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूचबिहार के सीतलकुची पहुंची और फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। चुनाव प्रचार से बैन हटने के बाद वो फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिली। 10 अप्रैल को सीतलकुची के बूथ नंबर 126 पर बवाल के दौरान फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी। फायरिंग का आरोप CISF पर लगा था, जिसके बाद CISF ने बयान जारी किया था कि लोगों ने सुरक्षा बल पर हमला कर दिया था और हथियार छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद CISF ने आत्मरक्षा में ये फायरिंग की थी। तो पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आज ममता बनर्जी सीतलकुची पहुंची। कूच बिहार में जब चौथे चरण का चुनाव हुआ था, उस दौरान फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई थी। और आपको बता दें, उस दिन ममता बनर्जी की तरफ से केंद्रीय सुरक्षा बल पर सवाल खड़े किए गए थे। केंद्रीय सुरक्षा बल पर सवाल खड़े करने पर चुनाव आयोग की तरफ से उन पर कार्रवाई भी हुई और उस कार्रवाई के लिए भी उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े